नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नेपाली संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पेश, भारत के संबंधों पर पड़ेगा व्यापक असर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने किया 2 भारतीय उच्चायोग कर्मचारियों का अपहरण, भारत ने माना वियना समझौते का उल्लंघन। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेपाली संसद में हाल ही में विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का कानून में परिवर्तित हो जाने के पश्चात नेपाल में विवाह करने वाली दूसरे देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करना होगा। इससे पहले नेपाल में नागरिकता कानून 2006 के तहत शादी के तुरंत बाद विदेशी महिलाओं को नेपाल की नागरिकता मिल जाती थी। यह परिवर्तन सबसे ज़्यादा नेपाल के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। नेपाल के मैदानी इलाकों को मधेश क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मधेश क्षेत्र के लोगों की भारत के सीमा पार रिश्तेदारी सामान्य बात है। वैसे तो कानून के बाद नया नियम सभी विदेशी महिलाओं पर लागू होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत नेपाल रिश्तों में जिस तरह से खटास आई है, इसको देखते हुए लोगों का मानना है कि यह कानून भारत को निशाना बनाने के लिए बनाया जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच शादियाँ होती रहती हैं, लेकिन यह कानून बन जाने के पश्चात समस्या पैदा होने की पूरी संभावना है। इस कानून से पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह कानून महिला के उस अधिकार का उल्लंघन करेगा जिसके अनुसार महिला को शादी के बाद ही नेपाली नागरिकता मिल जानी चाहिए। साथ ही इसका बुरा प्रभाव भारत नेपाल संबंधों पर भी पड़ेगा। रामायण काल या उससे पहले से दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय शादियाँ होती आ रही हैं, जिससे दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध बना हुआ है, जो इससे खत्म हो सकता है। यह नेपाल के तराई और सीमावर्ती भारत के लोगों के बीच इस तरह के रिश्तों को खत्म करने की कोशिश है। तराई क्षेत्रों वाले सभी परिवारों के वैवाहिक संबंध भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में रहने वाले लोगों से होता है। 23 जून 2020 को विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला लिया और साथ ही नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को अपने कर्मचारियों की संख्या में 50% कमी करने के लिए भी कहा। राजनयिक संबंधों में यह महत्वपूर्ण कटौती इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को इस्लामाबाद में अपहरण कर लिया था और पाकिस्तान के द्वारा उनके साथ बर्बर व्यवहार किया गया। इन दोनों भारतीय कर्मचारियों को 22 जून को भारत वापस भेज दिया गया था। वहीं 2 पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी 31 मई 2020 को जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। यह दोनों पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहे थे। पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा 2 भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ किए गए इस असभ्य व्यवहार को भारत वियना संधि और दोनों देशों के बीच किए गए द्विपक्षीय समझौतों का भी उल्लंघन मान रहा है। आपको बताते चलें कि वियना संधि के मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। आज़ाद और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर सबसे पहले वर्ष 1961 में वियना कन्वेंशन किया। इसके तहत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रावधान किया गया जिसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए। साथ ही वर्ष 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी से मिलती जुलती वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन का प्रावधान किया था। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। वैश्विक स्तर पर किसी भी भेदभाव को दरकिनार करते हुए विभिन्न खेलों में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 23 जून 1894 को आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को ओलंपिक दिवस आयोजित करने की सिफारिश 1978 में की थी। 23 जून साल 1894 को पियरे डी कुबर्टिन और डेमेत्रियोस विकेलान ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉसेन में है। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए यह एक नियामक संस्था के रूप में काम करती है।
ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर करने और राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके पहले चरण में कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे 8 राज्यों में इन परिसरों का विकास किया जाएगा। परिसरों का संचालन और देखभाल संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। आधारभूत ढांचे सहित अन्य खर्चों को खेलो इंडिया योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत साल 2010 में की थी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ से लाइसेंस धारक कोच और पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनीन का 23 जून को निधन हो गया। पूर्णिमा जनीन ने ISSF विश्व कप, एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के अलावा अन्य टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। हाल ही में अमेरिका ने 31 दिसंबर 2020 तक H-1B वीजा पर रोक लगा दी है। अमेरिकन प्रशासन के इस निर्णय से विश्व के तकरीबन 2.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। H-1B वीजा अमेरिका में एक गैर अप्रवासी वीजा है जिसके जरिए अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्ति मिलती है। इसके जरिए वीजाधारक बच्चे, पति या पत्नी को अमेरिका ला सकता है। इस वीजा के बाद अस्थायी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भी भारतीयों को ही होगा, खासकर IT प्रोफेशनल्स को ज़्यादा। 23 जून 2020 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। यह भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों के अस्थायी समिति के अध्यक्ष VP चौधरी ने न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में किया। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर और प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु डॉक्टर H.R. नागेंद्र इस नवीन विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। बीते 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। दरअसल दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस खास दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दिया जाता है। लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। यहां ध्यान दीजिए कि भारत में सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।